अरे यार भाई, तुम बार बार दुकान छोड़ के चले जाते हो यार, वहाँ क्या रखा हुआ है भाई? टायर दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? अरे मेरे भाई, साइज तो बताएगा टायर का क्या है, दिखा देता हूँ अभी नया। हाँ हाँ बता रहा हूँ। अरे दिव्या वो, अरे भाई वो दिव्या, दिव्या कहाँ चली गई? अरे दिव्या, दिव्या! अबे तू पागल है क्या? यहाँ पे दिव्या तो छोड़, मैंने तो सीमा भारती भी नहीं देखी है, यहाँ तो कोई लड़की थी नहीं, तेरे साथ अकेला आया है तू। अरे मेरी गर्लफ्रेंड यही खड़ी हुई थी, मेरा विश्वास करो भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ आया हूँ। अरे वो तुम्हारा छोटू कहाँ गया? वो छोटू भी यहीं पे था, उसने देखा है कि मैं लड़की के साथ आया हूँ, अचानक से गायब हो गई, अब मिल भी नहीं रही है। अरे वो छोटू तो पागल है ही, काले को 10 रुपए दो ना तो बोलता 5 रुपए दिए, और 100 रुपए दो तो बोलता 50 रुपए दिए। तो उसकी बातों में आ गया, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई है यहाँ पे, तू अकेला ही आया यहाँ पे, तू भी शायद उसके जैसा हो गया उसके साथ रह के। मेरी बात सुन, मुझे तो लग रहा है तू सुबह सुबह पी कर आ गया, चल निकल यहाँ से। अरे भाई मैं तुम्हें पिया हुआ नजर आ रहा हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड यही खड़ी हुई थी, मेरा विश्वास करो भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ आया हूँ। अबे अगर ऐसी बात है, तेरी गर्लफ्रेंड खो ही गई है, तुझे लग रहा है तो फोन मिला लेना, फोन तो होगा उसके पास। हाँ सही कह रहा है, मैं फोन मिलाता हूँ। अरे यार इसका फोन भी नहीं लग रहा है, टाइम पे कभी फोन लगता ही नहीं है, ये फोन बने ही क्यों है? अरे भाई दिव्या मेरे साथ ही थी यार, मेरी गर्लफ्रेंड। सीसीटीवी है तेरी दुकान में? अरे दुकान तो बड़ी मुश्किल से सेट करी है मैंने, सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। एक काम कर, मुझे तो लग रहा है वो तुझे धोखा दे के भाग गई होगी, आजकल की लड़की ऐसे ही है। अरे भाई वो शादी शुदा है, फिर भी 2 साल से चक्कर चल रहा है मेरा उसके साथ। अरे भैया एक बात बताओ, ये सेकंड हैंड टायर कितने का है? अरे भाई साहब उन टायर को छेड़ रहे हो, वो टायर कटा हुआ है, देख नहीं रहे आप? अरे नहीं नहीं, नया खरीदने का औकात होता तो तुझसे सेकंड हैंड का दाम पूछता, मुझे यही टायर चाहिए। हाँ ठीक है, ये टायर 1200 रुपए का एक। 1200 का? चल ठीक है 1200 दे देता हूँ। अरे अरे यही तो है मेरी दिव्या। अरे ये देखो ये टायरों के अंदर, तुम क्या कर रही हो दिव्या, क्या बात हो गई? अबे ये तेरी दिव्या नहीं, ये मेरी बीवी रेनू है। बीवी रेनू? अरे दिव्या ये तुम्हारा पति है क्या? पति है। एक बात बताओ, तुम इसके अंदर छुपी तो क्यों छुपी? हाँ जो ये लड़की ढूंढ रहा था इतनी देर से, वो लड़की तुम हो? हाँ जल्दी बताओ क्या कारण है यहाँ छुपने का? देखो मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे काम करते हो, मैं यहाँ पे टायर लेने आई और जब तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पे छिप गई, और वैसे भी मेरा ना इनसे 2 साल से चक्कर चल रहा है, तुम कुछ कमाते कमाते नहीं हो, और जो गिना चुना महीने का कमाते हो उससे मेरा कुछ पूरा ही नहीं पड़ता, मेरी सारी जरूरतें ये पूरी कर देते हैं, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी खाने के लिए बोलूँ, कुछ भी खरीदने के लिए बोलूँ, ये मेरा सारी चीजें मुझे लाके दे देते हैं, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं पाते। अरे चुप कर, शर्म आनी चाहिए तेरे को, यहाँ मैं दिन रात एक करके टायर सेट करता हूँ, पंचर सेट करता हूँ, और तू इस लंबू सेट हो गई, हद कर दी तूने। और मेरे पापा बिल्कुल सही कहते थे, बेटा गांव की लड़की से शादी कर ले, शहर की से मत कर, शहर की लड़की जो पैसों की भूखी होती है, अगर तेरे पास पैसा नहीं रहा तो किसी और के पास चली जाएंगी, और वो बात देख बिल्कुल सच हो गई। हाँ अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं दुनिया के पंचर ठीक करता हूँ और तुमने मेरे घर में पंचर कर दिया। ओए अब इसे लेकर जा, इससे पहले मैं इसे खून कर दूँ, लेकर जा इसे। तुमने कहाँ फंस गई, आओ जल्दी, अब मोटे मोटे टायरों के बीच तुम्हें